वीडियो निकल रहे ऐसे यूट्यूब के लिए यूट्यूब चैनल लेके दे रहा कौन सा राइजिंग ओमकार राइजिंग ओमकार अरे ये तो राइज हो रहा है क्या करते हो ब्लॉगिंग शॉर्ट फिल्म ब्लॉगिंग क्या पढ़ाई वगैरह हाँ पढ़ाई अभी बीएमएम कर रहा हूँ मैं फर्स्ट ईयर बीएमएम मतलब मास मीडिया बैचलर ऑफ मास मीडिया यूट्यूब के चक्कर में हिल जाएगा वो को 2 बजे दे आर चेकिंग फॉर माई ब्लड टेस्ट उन लोगों ने 2 बजे रात को ब्लड टेस्ट की एंड देन अभी 2:45 को MRI रिपोर्ट्स और बाकी सारे रिपोर्ट्स मांगे क्या पता किस लिए फोटोज निकाल के चले गए अभी लेट्स सी क्या होता है अभी दे आर सेइंग कि मुझे एक्सरे निकालना पड़ेगा मेरे पैर का कॉस वो नहीं निकाला है सो रात के 3 बजे कौन एक्सरे निकालता है भाई विथ माई एक्सरे और अभी वापस जा रहा हूँ मैं अपने वार्ड में जहाँ पे मुझे सोना है अभी टाइम हुआ है कुछ 3:15 पता नहीं कब सोने वाला हूँ मैं सुबह के 9:30 हो गए एंड यहाँ पे नर्स आती है सबके दवाई लेके बट उसने मुझे भी कुछ दवाई दी है और बोली खाने बट मैं इसका क्या करूँ रूडी क्यों मतलब फुकट का जस्ट ऐसे फॉर्मेलिटी कम्प्लीट करने के लिए मेरे को टैबलेट्स दिए उसने मैं तो इनको नहीं खाने वाला मैं पागल नहीं हूँ ओके सो आज मंडे है एंड दोपहर के 3:30 है और एक्चुअली मेरा रिपोर्ट कोविड रिपोर्ट जो था तो सुबह आने वाला था बट दोपहर को आया सो माय कोविड रिपोर्ट इज नेगेटिव यस नेगेटिव और नेगेटिव होने का ये और नेगेटिव होने का ये फ़ायदा है यहाँ पे कि मैं इस वार्ड में रह रहा हूँ तो इस वार्ड में कोविड पेशेंट्स भी है सो मुझे यहाँ से नीचे भेज दिया जाएगा इट्स लाइक यू आर क्लियरिंग एन एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी कॉलेज की तो यहाँ से नीचे आ जाऊँगा एंड कल ऑपरेशन पक्का लेट्स सी सो यहाँ पे हॉस्पिटल में रहने का सबसे बड़ा लॉस एक है कि तुम्हें एक जेल वाली फीलिंग आती है जो मैंने लास्ट व्लॉग में भी बोला था और जेल वाली फीलिंग इसलिए क्योंकि हमें इस आइसोलेशन वार्ड में रहना पड़ता है और ज़्यादा लोग अंदर नहीं आते ज़्यादा नहीं बाहर जाते सो एक ऐसा लगता है कि एक रूम में रहे हैं एंड बाहर देख नहीं सकता एक्चुअली विंडोज़ है यहाँ पे बट ये हॉस्पिटल ऐसा ना जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ऐसा ना कि तीनों साइड से कवर है और मुझे नीचे कुछ दिखाई नहीं देता बस यहाँ पे एक ही विंडो है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे एक ही विंडो है जहाँ से मुझे रास्ता दिखता है मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ तो है बाहर नहीं तो जो भी विंडोज़ है ना वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता सीरियसली सिर्फ ये हॉस्पिटल के 4 दीवारें दिखाई देती है बस ना मैं यहाँ पे खाना नहीं खा रहा हूँ उतने तो इंजेक्शन्स खा रहा हूँ यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद मुझे रात को एक TT का इंजेक्शन दिया और उसके बाद अभी ये ब्लड टेस्ट किया और वापस 3 के 3 बॉटल खून चूसा है मेरा फुल स्टॉक में और अभी बाकी लोग का खून चूस रहा है तो आज है संडे और ऑपरेशन को 5 दिन हुए एंड हालत यहाँ पे ये है कि मैं थोड़ा बहुत तो अपना पैर मूव कर सकता हूँ बट
ये कभी भी पेन करना चालू कर देता है वो उसके ऊपर है, और मैं इसके मदद से चलता हूँ जहाँ भी मेरे को जाना होगा वो मैं इसको लेके चलता हूँ। और मैं मेरा फेस इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बाल काटे तो मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ, तो मैं अपना मुँह नहीं दिखाऊँगा।